नमस्कार दोस्तों, सुधनेट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यामा MT-15 के न्यू मॉडल के लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि कब ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी और क्या इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा और क्या क्या इस बाइक में आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे MT-15 के न्यू वर्जन में। तो फ्रेंड्स, अगर आप यामा की MT-15 परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो मैं कहूंगा आपको थोड़े दिन आपको और वेट कर लेने चाहिए, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि यामा MT-15 का न्यू मॉडल इंडियन मार्केट में जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्या इस बाइक में आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रखा जाएगा और ये बाइक कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट बाइक अपडेट्स मिलता रहे। फ्रेंड्स, MT-15 के न्यू मॉडल को इंडियन मार्केट में जल्दी टेस्ट राइड के दौरान स्पॉट किया गया था, जिससे पता चलता है कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि यामा MT-15 का न्यू मॉडल इंडियन मार्केट में जल्दी लॉन्च होने वाला है। वैसे भी R15 का न्यू मॉडल आ गया है तो ऑब्वियसली बात है कि MT-15 का भी न्यू मॉडल आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं 2022 यामा MT-15 के न्यू मॉडल के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइक के डिजाइन के बारे में कि आखिर यामा MT-15 का बाइक का अपडेटेड डिजाइन कैसा रहने वाला है। देखो फ्रेंड्स, फिलहाल में किसी को भी ये नहीं पता कि यामा MT-15 का अपडेटेड डिजाइन कैसा रहने वाला है, लेकिन यामा की दूसरी बाइक R15 V4 को जो डिजाइन था वो यामा के 07 पे बेस्ड था, उसी तरह इस बाइक का जो डिजाइन है MT-07 के डिजाइन पे बेस्ड देखने को मिलेगी। पर फ्रेंड्स, MT-15 का जो न्यू लुक है वो पूरी तरीके से फ्रंट से चेंज कर दिया गया है। बीच में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलती है और साइड वाइज आपको LED स्ट्रिप दी गई है, जो कि देखने में काफी जानदार लगती है और ये पूरा अमेरिकन डिजाइन पे बेस्ड है। और इस बाइक के हैंडल बार में आपको लीवर कार्ड्स भी दिए गए ताकि आपके लीवर प्रोटेक्टेड रहे। और इस बाइक में सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलता है निसन के कैलिपर्स के साथ। और इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है, जिससे आपका ट्रेन मोड ऑन हो जाता है, जिससे आपकी बाइक के स्लिप होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही साथ इस बाइक में आपको फुल LED लाइट का सेटअप दिया जाता है, जिसमें फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली इस बाइक में आपको USD फॉक्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि गोल्डन कलर में पेंटेड होंगे। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, जो 100% जेन्युइन होगा। तो फ्रेंड्स, यामा MT-15 का जो न्यू मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है वो लगभग आपको जून 2022 तक देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में, क्योंकि इस बाइक को थोड़ा सा डिले किया जा रहा है, क्योंकि इस बाइक में ऐसे ऐसे फीचर्स लाए जाएंगे वो भी इतने कम अनएक्सपेक्टेड प्राइस में कि आप हौचक्के रह जाएंगे इस बाइक का प्राइस जानकर। इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस लगभग में रखा जाएगा 1,80,000 के रुपए आसपास रखा जाएगा, क्योंकि इस बाइक में इतने सारे फीचर्स दिए जाएंगे जो उस हिसाब के हिसाब से काफी वर्थ इट रहेंगे। पर फ्रेंड्स, इस बाइक में आपको एक ही कमी देखने को मिलेगी, वो है इस बाइक की पिलियन की सीट। इस बाइक में पिलियन में काफी पतली सीट दी जाएगी, जिस वजह से पिलियन को राइड करने में इसमें काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये बाइक सोलो राइड के लिए बनी हुई है और आप इसको सोलो राइड के लिए यूज कर सकते हैं। आपके लिए बाइक परफेक्ट रहेगी इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।